चौथे चरण में लोकसभा चुनाव के साथ साथ ददरोल विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो चुका है। यहां समाजवादी पार्टी के विधानसभा और लोकसभा प्रत्याशियों के कार्यकर्ता चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार रात दिन रोजा मंडी में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीनों की रखवाली कर रहे हैं। सपा नेताओं को आज भी गड़बड़ी की आशंका सता रही है। यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय निर्वाचन कार्य के प्रभारी के श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में समाजवादी पार्टी के ददरोल विधानसभा से उपचुनाव में प्रत्याशी रहे अवधेश कुमार वर्मा और लोकसभा में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रही ज्योत्सना कश्यप लखनऊ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश नवदीप रिवाणा से मिलने पहुंचे, जिनके साथ सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां के अलावा से लोकसभा के प्रत्याशी नीरज मौर्य, पूर्व MLC राजपाल कश्यप, पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। वहीं मुलाकात के बाद प्रत्याशी ने अवगत कराया कि आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना में मतगणना निष्पक्ष व पारदर्शी रूप से संपन्न कराए जाएंगे और मतगणना के दौरान कार्यकर्ताओं को परेशान न किया जाए। साथ ही प्रत्याशियों से मांग है कि वह मतगणना के दौरान राउंड वॉर अनाउंसमेंट किया जाए।